अस्सलाम वालेकुम क्लास एट, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 6 ऑफ टॉपिक द ओल्ड ओक ट्री। एज है इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द क्वेश्चंस ऑरली, टुडे वी विल डिस्कस द रिटन कम्प्रीहेंशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन अ मैन यूज द हॉलो ट्रंक ऑफ एन ओल्ड ट्री, कि जो मैन है कोई आदमी है वो हॉलो ट्रंक का या ओल्ड ओक ट्री का किस तरह से यूज कर सकता है। फर्स्ट स्टैंजा में हमें पोएट ने बताया था अ मैन कैन स्टेबल हिज बिग हॉर्स विद ईज बाय यूजिंग द होलो ट्रंक ऑफ एन ओक ट्री, के जो मैन है वो किस तरह यूज़ कर सकता है, अपने हॉर्स को बांध सकता है होलो ट्रंक का यूज़ करके, ओक ट्री के साथ बांध सकता है, उसके अलावा वो उसके साय को आराम के लिए भी यूज़ कर सकता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कैन द ओल्ड ओक ट्री कम टू ब्लोज, कि क्या ओल्ड ओक ट्री जो है उसको डर है तेज़ हवा का, आंधी का, उस पर कोई असर होता है। द ओल्ड ओक ट्री हैज़ नो फियर ऑफ ब्लाउज बिकॉज इट हैज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग नकल्स। और जो ओल्ड ओक ट्री है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उसको किसी किस्म की तेज़ हवा या आंधी का कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके नकल्स जो कि हम उसको बेसिकली इस वर्ड को इंग्लिश में यूज़ करते हैं, उंगलियों के जोड़ के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ जो है बताया गया कि उसके जो जो दरख्त है ओल्ड ओक ट्री है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए उसको तेज़ हवा का या आंधी का कोई डर नहीं है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज Why the suffering of the poet greater than that of the oak tree? अब जो suffering है उसकी तकलीफें आप समझिए क्यों ज़्यादा हैं किससे poet से, किस poet की जो suffering है oak tree से क्यों ज़्यादा है, उसका reason ये वो कह रहा है कि तुम्हारी life जो है लंबी है, तुम ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके, poet oak tree को कहता है, लेकिन मेरी छोटे है उसके बावजूद मेरी suffering ज़्यादा है, क्योंकि तुम यहाँ सिर्फ एक जगह खड़े रहते हो और यहाँ लोग तुम्हें सिर्फ अपने साय के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने दुनिया देखी है, दुनिया में मैं घूमता हूँ, मैंने वहाँ लोगों को भूखे देखा है, उनको बगैर घर के उनके सर पे छत नहीं है रहने के लिए, मैंने लोगों को इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है, छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसते हुए देखा है, इसलिए जो है सफरिंग पोइट की ग्रेटर देन है किससे, ओक ट्री से। द सफरिंग ऑफ द पोइट greater than that of the oak tree because the poet had seen the starved woman and homeless children। अब इसमें देखें वो क्या बता रहा है, क्योंकि उसने देखा है फाका ज़्यादा औरतों को देखा है, अपने छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात को मारते हुए देखा है, लोगों के आगे हाथ फैलाते हुए देखा है, बच्चों को बगैर घर के देखा है, इसलिए मेरी जो है सफरिंग तुमसे ज़्यादा है। बेसिकली जो पोइट है वो इस पोइम के थ्रू अपनी जो है अपनी लाइफ जो है वो डिस्कस कर रहा है, लोगों तक गरीबों की प्रॉब्लम्स पहुंचा रहा है। जो हमारा जो पोइट है उसने बेसिकली जो है इसी तरह की लाइफ गुजारी थी, मैं कुछ स्टार्ट में बताया था कि वो मिडिल क्लास फैमिली से जो है उसका तल्लक था, और उसके फादर जो थे डब्ल्यू एच डेविस के वो आयरन मोल्डर थे, जो बेसिकली डब्ल्यू एच डेविस जो है इस पोइम के थ्रू अपनी लाइफ को डिस्कस करा, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू द चिल्ड्रन स्लीप इन द कोल्ड एयर, जो बच्चे हैं वो ठंडी हवा में कह रहे हैं कि क्यों सोते हैं। वो जब वो डिस्कशन कर रहा होता है ओक ट्री के साथ पोइट, तो उनको बताता है, उसको बताता है कि वो क्यों मेरी सफरिंग तुमसे ज़्यादा है। वो बताता है कि मैंने बच्चों को छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसते देखा, उनको बगैर घर के देखा, उनको ठंडे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में भी और बहुत ज़्यादा सर्दी में बाहर सड़कों पे जो है ज़िंदगी गुजारते हुए देखा, और क्यों देखा। द चिल्ड्रन स्लीप इन द कोल्ड एयर, क्यों वो ठंडी हवा में सोते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव होम टू लीव, उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, इस वजह से जो है वो कहाँ रहते हैं, वो फिर मजबूर हो जाते हैं सड़क पे रहने के लिए, चाहे तो गर्मी हवा सख्त गर्म हो, चाहे तो हवा सख्त तेज़ हो, उन्हें वहाँ ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ठीक है, इन फोर क्वेश्चंस को आपने अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करना है, लीडर रजिस्टर पे इनको लर्न भी करना है, यही आपके होम असाइनमेंट है। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो है वर्क हम कम्प्लीट करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।